नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भारतवासियों को जीएस न्यूज की टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में राजभवन से लेकर हाईकोर्ट तक शान से फहरा तिरंगा। आज पूरे देश आजादी का जश्न मना रहा है। इसी दिन भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर राजधानी में भी अलग अलग पार्टी के नेताओं ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। राजभवन से लेकर हाईकोर्ट तक शान से तिरंगा फहराया गया। अभी अभी बिहार में मिले कोरोना के 3536 नए मामले, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1,00,000 के पार। बिहार में प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते बिहार का आंकड़ा 1,00,000 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बिहार में जानलेवा कोरोना का प्रकोप अनियंत्रित रूप से काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 3536 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,906 हो गई है। बिहार में फिलहाल 36,237 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर 16 लोगों की मौत हुई। जेडीयू एलजेपी के विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी में तनाव चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों पार्टियों के नेता तूफानी बयान दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एलजेपी पर थोड़ा हमदर्दी दिखाते हुए नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तेजस्वी यादव के ट्वीट से बेतरह बौखलाए हैं नीतीश। स्वतंत्रता दिवस के मंच से भी हमला, नीचे बैठे तेजस्वी मुस्कुराते रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी मैदान ने शायद ऐसा नज़ारा पहली बार देखा होगा। झंडोत्तोलन के बाद भाषण दे रहे मुख्यमंत्री चुनावी रैली की तरह प्रतिपक्ष के नेता पर निशाना साध रहे थे और नीचे बैठे नेता प्रतिपक्ष मुस्कुरा रहे थे। तेजस्वी यादव के ट्वीट से बौखलाए नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में जमकर हमला बोला है। बिहार के एसएसबी जवानों ने बाढ़ के पानी में खड़े होकर फहराया तिरंगा। आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लाल किला पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, जबकि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने। हालांकि पश्चिमी चंपारण के बगहा में एसएसबी 21वीं बटालियन के कैंप में जवानों का जोश देखने को मिला। इंडो नेपाल सीमा के सरहद पर तैनात एसएसबी जवानों ने बाढ़ के पानी में खड़े होकर ध्वजारोहण किया। सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान, नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त की घोषणा जल्द। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को जल्द ही सेवा शर्त की सुविधाएं मिलेंगी, इसकी जल्दी घोषणा हो जाएगी। चुनाव नहीं, पहले जनता की सुरक्षा है एलजेपी की प्राथमिकता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और लोजपा के शीत युद्ध जारी है। जेडीयू के चिराग पासवान पर आक्रामक रवैया अपनाने पर आज लोजपा की आपात बैठक राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पार्टी के सभी वरीय नेता और सांसदों ने भाग लिया। बैठक के बाद लोजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए चुनाव से पहले बिहारवासियों की सुरक्षा प्राथमिकता रखती है। बाबा रामदेव ने जारी किया वीडियो, कहा सुशांत के परिजनों का दर्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी। योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार 15 अगस्त को एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बाबा रामदेव बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हवन कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अंग्रेजों ने भारत पे कितने साल तक राज किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 400 साल, ऑप्शन बी 200 साल, ऑप्शन सी 100 साल और ऑप्शन डी 250 साल।
उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते अगली। गोपालगंज में कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण से पहले महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। जहां एक ओर पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं बिहार के गोपालगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गोपालगंज कलेक्ट्रेट परिसर में झंडोत्तोलन के कुछ समय पूर्व एक महिला ने अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने जैसे ही प्लास्टिक के डिब्बे में रखे मिट्टी तेल अपने शरीर पर छिड़कने का प्रयास किया कि वहां मौजूद अधिकारी व पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया। महिला के इस कदम से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। होम सेंटर पर होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा होम सेंटर पर ली जाएगी। कोरोना से बचने के लिए बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड की माने तो छात्र अपने ही स्कूल में जाकर कंपार्टमेंटल की परीक्षा देंगे। होम सेंटर पर परीक्षा देने से छात्रों को अधिक परेशानी नहीं होगी।